इसोफेजल कैंसर का जो कॉमन सिम्टम है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग फूड। इसका ये मतलब है कि पहले आप सॉलिड खाते वक्त दिक्कत होती है तो फिर आप सॉफ्ट डाइट में चले जाते हो, जब आप सॉफ्ट डाइट खाते हो उसमें भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, फिर आप लिक्विड डाइट्स खाते हो, एंड देन व्हेन यू रियलाइज दैट यू कैन इवन सॉलो लिक्विड डाइट दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव डिजीज़ एंड टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग फूड। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। अगर किसी को भी ये सिम्टम परसिस्टेंटली 2 to 3 weeks से ज़्यादा नोटिस करते हैं तो दैट इज़ द फर्स्ट अलार्मिंग साइन एंड यू वन शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस यू आर नॉट ईटिंग वेल तो आपको साइमल्टेनियसली वेट लॉस होगा। तो एक कॉमन पैटर्न ये होता है कि अगर आप इंटेंशनली वेट लूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आजकल के तारीख में ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंटेंशनली वेट लूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपका वेट लॉस हो रहा है जो अनइंटेंशनल है तो इमीडिएटली दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार ये घाव बढ़ जाता है, इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लैक कलर का स्टूल हो सकता है या वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। जनरली आवर रिकमेंडेशन इज वेन एवर दीज सिम्टम्स आर परसिस्टेंट एंड यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन, दैट इज द फर्स्ट अलार्म साइन व्हेन यू हैव टू इमीडिएटली गो एंड सी अ डॉक्टर्स एडवाइस।